जीवन का जो क्रम है धूप छांव की तरह होता है। धूप छांव का मतलब है कभी खुशी कभी गम का संचार हमारे जीवन में होता है। ऐसी स्थिति मानव जीवन की सर्वत्र नहीं रहती है। अगर इंसान में पेशेंस है, धैर्य है, धीरज का दामन वो थामे रखता है तो कैसी भी विकट परिस्थिति हो अपनी सूझबूझ से रास्ता निकाल ही लेता है। आज अच्छे और बुरे समय के बारे में बता रही हूँ, और अच्छा समय है तो बहुत अच्छा है, लेकिन बुरा समय है तो धैर्य रखिए, आपका भी अच्छा समय आता ही होगा। अच्छे समय का इंतज़ार करिए और निराश मत होइए। मोटिवेट कर रही हूँ आपको। निराश जो व्यक्ति होता है वो पहले से ही हौसला पस्त हो जाता है उसका, और वो कोई काम करने में समर्थ नहीं होता। लेकिन जिसका हौसला बुलंद होता है, जिसके हौसले बुलंद होते हैं, वो हर काम सामर्थ्य के अनुसार कर लेता है, भले ही उसका समय कितना भी बुरा क्यों ना चल रहा हो। क्योंकि अच्छा और बुरा समय हमारी महादशा डिसाइड करती है, लेकिन हमारा मनोबल अगर अच्छा है, हमारी विल पावर अगर स्ट्रांग है, कुंडली में सूर्य चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। हाई एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, अपने हालचाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके हालचाल जानकर। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें और उनका सदा कल्याण होता रहे। मैं परमात्मा से ये आशीर्वाद उनके लिए मांगती हूँ और उनकी खुशहाली की हमेशा कामना करती हूँ। मेरा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ में होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा समय की मैं बात कर रही हूँ, और समय जुड़ा हुआ है घड़ी से और कैलेंडर से। हमारे जो कैलेंडर होते हैं उनको हम डेट देखने के काम में लेते हैं, तिथियाँ देखते हैं, तीज त्यौहार उनमें देखते हैं और तरह तरह से उनको देखते हैं। लेकिन कैलेंडर को आपको गंदा नहीं करना चाहिए। कैलेंडर में आप एक जगह गोला बना लीजिए, और गोला आप जिस जगह बनाएंगे वो गोला आपके भाग्य को चमका देगा। और किस कलर से आपको गोला बनाना है, किस डेट पर आपको गोला बनाना है, ये आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि आप जानते ही हैं ये वर्ष शुक्र को समर्पित है, ये शुक्रदेव का वर्ष है, और शुक्रदेव श्रृंगार का कारक है। श्रृंगार के ऊपर बहुत सारी कविताएँ लिखी गई हैं और आपको पता ही होगा। तो कैसी भी कोई श्रृंगार की कविता है उसको आप अपने घर पे या डायरी में लिख लीजिए, आपका शुक्र अच्छा होने लगेगा। क्योंकि श्रृंगारिक जो कविता होती है उसमें भी शुक्र का वास होता है। और रीतिकाल में अनेक ऐसे कवि हैं हुए हैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल में जिन्होंने श्रृंगारिकता पे काव्य लिखा है, और रीतिकाल का एक नाम श्रृंगार काल भी है। तो श्रृंगार काल सर्च कीजिए और श्रृंगार के ऊपर लिखी गई कोई भी कविता आप लिख लीजिए अपनी डायरी में, कोटेशन के रूप में, एक वाक्य के रूप में, तो आपके ज़िंदगी में खुशियां आती रहेंगी। लेकिन आपको अपनी एक डायरी में 2022 की जो नई डायरी आप लेके आए हैं उसमें भी एक क्रिया बता रही हूँ, उसको करने से भी पैसा बरसेगा और आपका बुरा समय अगर चल रहा है तो अच्छे समय में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसी आपकी स्थिति हो जाएगी। कुछ सिंबल होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, उनको भी आप बना सकते हैं। और रेकी में भी कई सिंबल होते हैं, लेकिन त्रिशक्ति ऐसा सिंबल है जो आपको पता ही होगा, जिसमें ओम, त्रिशूल और सातिये की शक्ति निहित रहती है। इस पर मैं वीडियो बना ही चुकी हूँ, तो उसको भी आप अपने मुख्य पेज पर, पहले पेज पर आप बनाते हैं डायरी के, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और उस पर अपना नाम अवश्य ही लिखिए, पूरा नाम लिखिए। आप सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखते हैं तो आप सुनहरे अक्षर का मतलब है जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, तो आपके जीवन में सोना ही सोना बरसेगा। आपके बृहस्पति के साथ शुक्र भी अच्छा होगा और आपको अच्छे फल की प्राप्ति इस वर्ष होगी। आप सिल्वर कलर से भी, सिल्वर इंक, ग्लिटर वाली सिल्वर इंक से भी अपना नाम लिख सकते हैं और अपना जो स्वास्तिक जो त्रिशक्ति है वो आप बना सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। गोल्डन से भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं, तो त्रिशक्ति मतलब बना सकते हैं, हल्दी से भी आप त्रिशक्ति बना सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा तुरंत मिलने लगेगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं इन सब चीज़ों से। क्योंकि स्वतः जागृत चीज़ें होती हैं जो आपके भविष्य को खुशहाल बनाती हैं, आपके जीवन में अच्छा समय को लेकर आती हैं। क्योंकि समय बहुत बलवान होता है और सुख दुख एक समान नहीं होते, ये चलायमान होते हैं। आगे सुख तो पीछे दुख है, पीछे दुख तो आगे सुख है, ये गाना आपने सुना ही होगा।
तो गाने भी हमारे जीवन शैली पर बनते हैं, हमारे मतलब लाइफ स्टाइल पर बनते हैं। गाने ऐसे नहीं बनते, गाने भी किसी मीनिंग से बनते हैं प्रेरित होकर। तो ये शुक्र का वर्ष है और आपको मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्रिया आपको करनी है श्रृंगार से संबंधित जो आपको फ़ायदा पहुँचाए। एक तो आप डेली नियम बना लीजिए, आपको अच्छे से नहा के तैयार होना है, प्रेस करे हुए कपड़े पहनने हैं और थोड़ा बहुत श्रृंगार अवश्य करना है। 16 श्रृंगार तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेसिक जो श्रृंगार होता है वो तो आपको करना ही चाहिए। तो बाल बनाएं, काजल लगाएं, बिंदी लगाएं और मेकअप करें अपने एज के अनुसार, और लिपस्टिक लगाएं और परफ्यूम का प्रयोग अवश्य करें। परफ्यूम, टैल्कम पाउडर, खुशबूदार चीज़ें अवश्य प्रयोग में लीजिए श्रृंगार के सामान के रूप में। इससे आपका शुक्र अच्छा होगा और आपका तरह तरह से फ़ायदा मिलने लगेगा। आपकी जो घड़ी है उसमें आप 6 के ऊपर गुलाबी रंग की कोई बिंदी लगाते हैं तो आपका शुक्र अच्छा होता है, क्योंकि गुलाबी रंग सबको, सब राशि वालों को सूट करता है। तो 6 जहाँ लिखा हुआ है उसमें, उसके ऊपर 6 बिंदियाँ बना दीजिए आप पिंक कलर से, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने लगेगा और आपकी ज़िंदगी में शुक्र का आगमन हो के रहेगा। आप अपनी जो डायरी है उसमें भी 6 बिंदियाँ लगा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होने लगेगा। कैलेंडर में जहाँ 6 डेट है, हर महीने की 6 तारीख है, 15 तारीख है, उसको आप गोलाकार बना लीजिए और उसमें आप एक बिंदी लगाइए, गोलाकार बना के और बिंदी लगाइए 6, जहाँ 6 लिखा है तो वहाँ 6 बिंदी बना दीजिए, जहाँ 15 6 ही पर्याप्त है, वैसे टोटल 6 ही पर्याप्त है, 15 पर भी नहीं लगाएं तो चलेगा, क्योंकि मूलांक 24 में भी 6 आता है, 15 में भी 6 आता है, लेकिन आपको 6 पर ही लगाना है हर महीने की 6 तारीख। स्पेशली जो जून का महीना है, जून के महीने की जो 6 तारीख है उसमें भी आप ये क्रिया करें, गोलाकार सर्किल बना दीजिए और ये जो सर्किल होता है ये आपको भाग्य चमकाने में मदद करेगा, आपका जो बुरा वक्त चल रहा है उसको अच्छे वक्त में कन्वर्ट हमेशा करेगा। तो आप पूरे साल जो 2022 का कैलेंडर है उस पर आप हर महीने की 6 तारीख को एक सर्किल बना दीजिए और उसको पिंक कलर से सर्किल बना दीजिए, तो आप समझिए कि आपका शुक्र जागृत हो गया है और आपके अच्छे दिन आ गए हैं, तो आपको अच्छे परिणाम पूरे वर्ष भर मिलते रहेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। और कैलेंडर में आपको क्या ये क्रिया करनी है, घड़ी भी समय का प्रतीक होती है, घड़ी में भी आप लगा सकते हैं और अपनी डायरी में भी लगा सकते हैं, जो 2022 की नई डायरी आप लेके आए हैं तो उसमें भी ये क्रिया कर सकते हैं। ये क्रिया कहीं भी करेंगे आपको लाभ के अवसर बारंबार उत्साहित करेंगे और आपकी ज़िंदगी में इतना पैसा आएगा, आपका भाग्य चमकेगा, क्योंकि कई लोग भाग्य का रोना रोते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए और इस उपाय से आपको भाग्य का रोना, किसी के भी सामने नहीं रोना पड़ेगा, आपका ऐसा भाग्य चमकेगा कि दुनिया देखेगी। तो इस उपाय को करिए, इसमें श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो मत करिएगा इस उपाय को, क्योंकि मैं आप पर छोड़ती हूँ, मैं अपने विचार किसी पर भी थोपती नहीं हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो क्रिया करता है श्रृंगार से संबंधित जो क्रिया करता है और ये अलंकारों का प्रयोग करता है, तो उसके जीवन में फलदायी होना ही होना है, उसकी किस्मत को जगना ही जगना है, उसकी किस्मत में भौतिक सुख सुविधा आनी ही आनी है, भौतिक लाभ, आर्थिक लाभ उसको होना ही होना है 2022 वर्ष में। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करना और कमेंट सेक्शन में आके बताना कि मैं इस वीडियो से आपको कितना लाभ मिला और किस तरह की वीडियो आप मेरे द्वारा निर्मित देखना चाहते हैं। आप ऐसी जानकारी शेयर भी करें, ऐसी जानकारी सबसे शेयर करें जिससे सभी को इसके बारे में पता चल सके, क्योंकि शेयर करना अच्छी जानकारी को पुण्य का काम होता है मित्रों, पुण्य हमेशा करते ही रहना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।